देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। 8 राज्यों के पुलिस अफसरों की बैठक आपको बता दें हो रही है। पीएचक्यू में ये बैठक चल रही है, अधिकारियों की ये बैठक है। बैठक में डीजीपी, एडीजी और योजना प्रबंधक मौजूद हैं। पुलिस आधुनिकरण को लेकर ये चर्चा चल रही है। नक्सल विरोधी अभियानों पर रणनीति बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पुलिस विभाग के अफसरों की यह बैठक है। महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना समेत 8 राज्यों के पुलिस अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विशेष संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष जी, कितनी खास इस जो 8 राज्यों के पुलिस की जो बैठक चल रही है इसको माना जाए? देखिए, कई यहाँ से महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि हाई पावर कमेटी की बैठक है और आमतौर पर ऐसी बैठकें अब तक दिल्ली में होती आई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर ने इनिशिएटिव किया और इनिशिएटिव का असर था कि साथ राज्यों के तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। और हाई पावर कमेटी की इस बैठक के अपने मायने इतिहास से है, क्योंकि पुलिस में किस तरीके के मॉडर्नाइजेशन इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी को लेकर एक्शन प्लान बनाया जा सकता है, इसे लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर राजशुमारी के बाद केंद्र सरकार को वो ये रिकमेंडेशन भेजा जाता है और केंद्रीय जो एक मंत्रालय है वो रिकमेंडेशन की अनुशंसा करता है, जिसके बाद पुलिस को मॉडर्नाइज करने की दिशा तय होती है। तो ये छत्तीसगढ़ में पहली बार ये बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद जिस तरीके के आउटपुट निकलेंगे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश